पहला क्वेश्चन है कि हेमोडायलिसिस पेशेंट में रोज़ाना डेली बेसिस पर कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है हमारा 1.5 ग्राम, 1.2 ग्राम, 0.6 ग्राम और 0.8 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ पेशेंट्स वेट पर डे। मीन्स कि अगर एक पेशेंट का वेट 50 किलोग्राम है तो उसको जो हमें प्रोटीन की इंटेक पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, वो 1.2 × 50। अगर पेशेंट का वेट 60 किलो का है तो 1.2 × 60। क्वेश्चन नंबर टू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फॉस्फेट बाइंडर। हमारे जो चार ऑप्शन ये दिए गए हैं इसमें कौन सा हमारा फॉस्फेट बाइंडर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सेवलेमर, ऑप्शन नंबर बी लैंथेनम, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है डी, पोटेशियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइपेज। लाइपेज का क्या फंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट, ऑप्शन नंबर बी है रिस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर सी है डिटेक्टिंग टेस्ट एंड डी डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर फोर है, द फॉलोइंग केमिकल्स कैन कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी इन ह्यूमन एक्सेप्ट। हमारे नीचे कुछ केमिकल्स दिए गए हैं उसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कैडमियम, दूसरा है एन एसिटिल सिस्टीन, सी है हाइड्रोकार्बन्स एंड डी है लेड। इनमें से हमें ये बताना है कौन सा नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है। तो इसका आंसर है बी, एन एसिटिल सिस्टीन। क्वेश्चन नंबर फाइव है, अमाइनो एसिड लॉस ड्यूरिंग ईच सेशन ऑफ हीमोडायलिसिस रेंजेस फ्रॉम। हम जब हीमोडायलिसिस करते हैं तो हर सेशन में कितना अमीनो एसिड लॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 से 4 ग्राम, बी है 6 से 8 ग्राम, सी है 4 से 6 ग्राम एंड डी है 10 से 12 ग्राम। तो इसका आंसर है बी। मीन्स कि हर हीमोडायलिसिस सेशन में पेशेंट की बॉडी से 6 से 8 ग्राम अमीनो एसिड लॉस होते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस इज ए। हमें यह बताना कि एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस यानी हमारी किडनी में जो सूजन हो जाती है, पाइलोनेफ्राइटिस हमारा यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। हमें यह बताना है किस वजह से होता है, प्रोटोजोअन इन्फेक्शन की वजह से होता है या फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये। क्वेश्चन नंबर सेवन है, द फॉलोइंग आर द सिस्टिक डिसीज ऑफ द किडनी एक्सेप्ट। हमें यह बताना है कि इसमें सिस्टिक डिसीज़ कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑटोसोमल रेसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, ऑप्शन नंबर बी है एल्पॉर्ट सिंड्रोम, सी है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स एंड डी है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। एल्पॉर्ट सिंड्रोम में किडनी के साथ साथ हियरिंग लॉस भी होती है, मतलब उसको सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है, आई एबनॉर्मेलिटीज़ भी होती है, हीमेचूरिया और प्रोटीनूरिया भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर एट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिल्टर्ड इनटू बोमेंस स्पेस। बोमेंस स्पेस हमारा नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है जो कि एक कप शेप होता है, यहीं से फिल्ट्रेशन होती है। तो इसमें यह बताना है हमें कौन सा पार्ट हमारा फिल्टर नहीं होता है। नंबर एक है प्रोटीन, बी है वाटर, सी है सोडियम एंड डी है क्लोराइड। इसमें यह बताना है कौन सा फिल्टर नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन, बोमेन कैप्सूल से प्रोटीन फिल्टर आउट नहीं होती है। अगर फिल्टर आउट हो रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसको। क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट ए बायो मार्कर ऑफ AKI एक्यूट किडनी इंजरी। तो पहला ऑप्शन हमारा इंटरल्यूकिन 18 है, न्यूट्रोफिल्स जिलेटिनेज एसोसिएटेड लिपोकैलिन है, सी है इंटरल्यूकिन 6 है एंड डी है किडनी इंजरी मॉलिक्यूल 1। देखिए तो हमें इसमें यह बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल अगर पाया जाएगा तो हमारी एक्यूट किडनी इंजरी का वो बायो मार्कर नहीं है। तो उसका ऑप्शन है सी। नाउ द सेंसिटिविटी ऑफ द ब्लड लीक डिटेक्टर यूज इन द हीमोडायलिसिस मशीन रेंजेस फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए है 0.25 ml टू 0.35 ml पर लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 0.45 ml टू 0.55 ml, सी है 0.10 ml टू 0.20 ml एंड डी है 0.05 ml टू 0.10 ml। हमें यहाँ ये बताना है कि हमारे जो हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगाते हैं उसमें कितना ml का अगर ब्लड जा रहा है तो मशीन अलार्म करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 0.25 ml टू 0.35 ml पर लीटर। मीन्स कि अगर हमारा 0.25 ml पर लीटर के हिसाब से अगर ब्लड लॉस हो रहा है, मशीन इस लॉस को डिटेक्ट कर लेगी, सेंस कर लेगी और अलार्म स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस अपलोड करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा आप कुछ और राय देना चाहते हैं